शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जुड़ी काफी ज्यादा क्यूट नजर आती है और शमिता कभी कभी जेलिस भी हो जाती है जब राकेश बापट घर में किसी और लड़की के साथ होते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है राकेश का शमिता का छोड़कर दिव्या के साथ होना। और अब शमिता एक बार फिर से इसी बात को लेकर जेलस होती नजर आई जब राकेश ने कहा मेरी दिव्या के बारे में ऐसी बातें मत करो। जी हाँ दोस्तों, बाहर गार्डन एरिया की बात है रात के वक्त की, जब नेहा शमिता और राकेश बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग इस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि क्यों ना हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। उस दिन तो उस लड़की ने पता नहीं क्या क्या फेंक मारा था, तेल वेल हमें भी करना चाहिए था। यहाँ पर राकेश कहते हैं कि ए देखो मेरी दिव्या के बारे में ये सब मत कहो। यहाँ पर शमिता कहती है यार ये बिल्कुल सही बात है, मेरे को तो लगा ही था मेरी दिव्या के बारे में ये मत कहो, तुम्हारे दिल में है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर। और इस पर राकेश कहते हैं क्यों तुम्हारे दिल में नहीं है प्रतीक के लिए। तो इस पर शमिता कहती है सो व्हाट, तुम हमेशा मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी उसे देते हो, मेरे दिल में तो कईयों के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है और तुम्हें इसके लिए डील कर लेना चाहिए। तो शमिता कहती है कि हाँ मेरे लिए भी लोगों के दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है तो तुम्हें डील करना चाहिए ना। राकेश कहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, अब तुम बताओ तुम देखो अपना। बिग बॉस OTT से जुड़ी ऐसी और भी कई खबरें जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।